तो कोई आंसर नहीं आता। जाती तो दीवार बेटा तुमने गुड मॉर्निंग कहे छे तो आंसर नहीं आता। गुड मॉर्निंग। ઓકે ચલો હવે મને રોલ નંબર આપી દો ફટાફટ તમારા, આપણે સ્ટાર્ટ કરવું છે આજે થોડું રિવિઝન। બસ બે જ રોલ નંબર? ઓકે સલમાન છે। ઓકે ત્રણ જ નામ, એક સલમાન, શાહનવાઝ અને તિલવાલ દેખાય છે તો ઘણા બધા। ચલો તો તમારી ઈચ્છા, તમારે તમારી પ્રેઝન્ટ એબસેન્ટ ન કરાવી હોય તો હું એબસેન્ટ રાખીશ, બરાબર? પ્રેઝન્ટ ન કરાવી હોય તો તમારી ઈચ્છા, બરાબર? ન કરો એ રોલ નંબર, મતલબ તમે છે ને ખાલી અહીંયા જોઈન થયા છો દીકરા, તમે સાંભળતા નથી મારી વાત। ઓકે ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ છીએ। તમને મેં આપકો મેં સંજ્ઞા જો હૈ ઉસકા રિવિઝન કરવા દિયા, કલ મેં આપકો એમસીક્યુ કી પીડીએફ ભી ભેજ દી હૈ, રાઈટ? આજ હમ જો હૈ સર્વનામ ઉસકા રિવિઝન કર લેતે હૈ, ક્યુંકી સર્વનામ સીખે કાફી દિન હો ગયે હૈ તો ઉસકા ભી આજ હમ રિવિઝન કર લેતે હૈ, તાકી આપકો લિખને મેં કોઈ ભી પ્રોબ્લમ ના હો। ઓકે તો આજ હમ સર્વનામ કે બારે મેં બાત કરેંગે। પહેલે આપને સે કોઈ મુજે બતાએગા કે સર્વનામ યાની ક્યા, યા હમને ક્યા સીખા થા સર્વનામ મેં? બોયઝ મેં આપસે કુછ પૂછ રહી હું। બોઈસ આપકો આવાજ આ રહી હૈ ના મેરી? મેમ તો મેને કુછ પૂછા આપસે, સર્વનામ ક્યાં હોતા હૈ? કિસે કહેતે હૈ સર્વનામ? બતાઈએ। મેમ આજ A7 છે। मैंने अभी कुछ पूछा आपसे लास्ट में, जब मैं आपसे बात कर रही थी तब आप लोगों ने कुछ बोला नहीं, इसलिए मैंने कोई भी बात नहीं की आपसे। अब लास्ट में, अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है तो सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, ठीक है? लास्ट में समय रहेगा तो बात करेंगे। चलिए बताइए सर्वनाम के बारे में। मिस मैं बोल रहा हूँ 105 गोल नंबर तेल वाले मुस्तफा। हाँ मुस्तफा, बोलो बोलो। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, तू, यह, वह, कुछ, कोई आदि सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड, परफेक्ट। आप क्या लेकर बैठे हैं, टेक्स्ट बुक की फेयर बुक? अरे फेयरबुक वाह, फेयर बुक में भी आपने कितना अच्छा लिखा है। आपने देख कर बोला उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, पर आपको सूझा तो सही कि चलिए मुझे फेयर बुक लेकर बैठिए बैठना है। और फेयर बुक में भी आपने कितनी अच्छी तरह से लिखा है, और आई एम श्योर कि आपके हैंड राइटिंग भी अच्छे होंगे, कि हैंड राइटिंग अच्छे होंगे ना इसीलिए आप इतना अच्छे से पढ़ पाए, है ना? ओ वेरी गुड तिलवानी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने।
चलो देखिए, यहाँ जो पिलवानी ने पढ़ा वही है। सलमान पढ़ो तो। संज्ञा के साथ संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, तू, यह, वह, कुछ, कोई आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। संज्ञा के स्थान पर हमने संज्ञा सीखी ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे बार बार हम अपना नाम नहीं बोलते हैं। अभी देखिए, सलमान ने पढ़ा तो सलमान उसका नाम है ना। तो आप या सलमान खुद भी बार बार अपना नाम नहीं लेगा, तो वो बात करेगा ना, तो क्या कहेगा? मैं, है ना, मैं कहेगा। आप भी उसके साथ बात करोगे ना, तो बार बार उसे नाम से नहीं बुलाओगे, एक आध बार नाम से बुलाओगे और बार बार नाम से नहीं बुलाओगे। क्या कहोगे? तुम, तू क्या कर रहा है, तुम कब आओगे? तो आप उसे तू या आप या ऐसा कोई संबोधन करोगे, बार बार आप नाम नहीं लोगे। और सलमान व्यक्तिगत संज्ञा है ना। तो अब उस संज्ञा के स्थान पर हमने इन शब्दों का प्रयोग किया ना, तो इसे सर्वनाम कहते हैं। आया समझ में आप लोगों को? बॉयज समझ में आया? बाकी सब बॉयज बोलेंगे पिलवानी और सलवान आमिर के सिवा? आमिर ओके शाहनवाज। मिस, मैं बोल अब रहा 105। एक मिनट, पिलवानी हमने अभी पढ़ा तो सही बेटा, आपने भी पढ़ा ना, है ना। अब रुको, हाँ आमिर देखिए, किसी ने इसका बाकी हो आपको लिखना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ताकि आप फिर फेयर बुक में लिख सके। सिलवानी ने लिख लिया है, इसीलिए उसे जरूरत नहीं है। ओके, वो सिर्फ चुनेगा, पर जिनका भी बाकी हो वे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया? चलिए, अब पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, हाँ मिस बेटा बोलो, कौन बोल रहा है? मिस मिस थोड़ा जोर से बोलो ना, काई नहीं थे। बाकी सबको आवाज आ रही है बॉयज? बाकी बॉयज को आवाज हाँ क्लियर आ रही है? हाँ मिस वॉल्यूम धीमो लगे से, आवाज आ स्लो आवे से। ओके सर, यहाँ से वॉल्यूम एकदम फास्ट है मेरा। ओके कोई बात चलिए, किसने बोला था अभी वॉल्यूम आवाज कम आ रही है ऐसा? मिस में नाम सोरा बताओ आयन, बेटा। ओके अयान, अब सोरा आ रही, आयन अयान अब आवाज आ रही है आपको। मिस अजी धीमिया वैस। बेटा इससे ज्यादा तो फास्ट नहीं हो सकती, मेरा वॉल्यूम फुल है, आप लोग अपना वॉल्यूम भी फुल कर दीजिए। ओके, सुनाई तो दे रहा है ना? ओके चलो अयान पढ़ो अब आप। हेलो मिस, हेलो अयान मिस पढ़ो आप। मिस, हेलो, बाकी सब म्यूट रखो माइक, हेलो मिस बोलो बेटा। मिस, मेरा रोल नंबर लिख लीजिए ना, बेटा 97। आप देर से ज्वाइन हुए हैं तो अभी बीच में मत बोलिए, लास्ट में बात करेंगे, अभी हमने पढ़ाई शुरू कर दी है तो बीच में मत बोलिए। चलिए, कौन पढ़ने वाला है? समझ कौन में पढ़ेगा? पढ़ो हाँ शाहनवाज, हाँ शाहनवाज पढ़ो। चलो बाकी सब म्यूट रखिए, हाँ, ताकि आवाज थोड़ी क्लियर हो मेरी। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्त अपने वक्त वक्ता, अपने लिए वक्ता अपने लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण, आपका नाम क्या है?
नीचे हुआ तो हाँ बेटा, इसके तीन भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष मैं हूँ, दूसरा मध्य पुरुष तू तुम आप, तीसरा अन्य पुरुष वह उसे उन्हें। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए एवं किसी और के लिए, वक्ता यानी जो बोलता है उसे वक्ता कहते हैं, तो वह अपने लिए और किसी अन्य के लिए करता है, यानी खुद के लिए और किसी और के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए फिर से सिखा रही हूँ इसलिए अच्छे से लास्ट टाइम समझ लीजिएगा, अब नहीं सिखाऊंगी ये, है ना, ये टॉपिक हम दोबारा करें बेटा। तो इसके लिए उदाहरण हमें दिया है कि आपका नाम क्या है, तो आपका ये जो है ना वो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इसके भी तीन भेद है, एक तो उत्तम पुरुष, उसमें कौन कौन से होंगे, मैं हम, फिर मध्यम पुरुष तू तुम आप, और अन्य पुरुष वह उसे उन्हें। तो ये हुए पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? हमीर ओके, अब आवाज फास्ट आ रही है आपको? हाँ ओके चलिए, अयन छोरा, अयन चलिए, रोल नंबर 97। मिस 105 बोलो। हेलो मिस, मिस मैंने नहीं हमला तू 97। ओके 97 पढ़ो। हेलो मिस, मैंने कहा नहीं हमला तू बेटा, एक बार आप लेफ्ट हो जाओ फिर ज्वाइन हो, एक बार लेफ्ट हो जाओ हाँ, और फिर ज्वाइन हो जाओ। मिस नंबर 4 बशीर सर, निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारण सर्व के लिए करता है वह वाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, मैं अपने आप, मैं अपने आप चला चला आऊंगा। खुद बीस मैंने गाय नहीं हमला तू खुद अपने बस सर। हाँ सर, जो देखे ना इन्हें क्या प्रॉब्लम है, सबको वैसे सुनाई दे रहा है, आवाज स्लो होगी पर सुनाई तो दे रहा है सबको, इन्हें कुछ नहीं सुनाई दे रहा, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, फिर लेफ्ट ही जा तारी रीते है ना, अपनी बच्चों जॉइंट ही जाए तो थी जाए, इसका नेटवर्क बड़ी जगह पर भी हो जाए। मैंने उसे यही बोला कि एक बार लेफ्ट हो जाओ, पर वो उन्हें नहीं सुनाई दे रहा। मगर तू नहीं थी कहने थी लेफ्ट करी इसने तो भाई जॉइंट नहीं थी है के नहीं करता, तू लेफ्ट थी जा फिर बच्चा जॉइंट थी जा फ्री है कोकर। ओके तारा नेट में का प्रॉब्लम थे, तारा स्पीकर बंद नहीं थी थाते, એટલે तू उसे ने लेफ्ट थी जा कोकर એટલે થઈ જશે। उन्हें किसी की आवाज नहीं आ रही। ओके तो निजवाचक सर्वनाम राइट। 97 कौन था, किस नाम बताओ बेटा अपना? हाँ मीनाज। ओके मीनाज अली, वेरी गुड, अच्छा पढ़ा मीनाज अली ने कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता, कर्ता यानी जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, तो कर्ता कारक स्वयं के लिए कहता है, यानी आप लोग अपने खुद के लिए करो तो उसे स्वयं कहते हैं, है ना, तो अपने लिए स्वयं के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के तौर पर देखें,
तो मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो यहाँ क्या अपने आप है ना, मैं अपने आप, तो ये नीचवाचक सर्वनाम हुआ अपने आप। ये कौन सा सर्वनाम हुआ? नीचवाचक, समझे? खुद चला जाऊंगा तो ये भी नीचवाचक सर्वनाम हुआ। अगर आपको कभी एग्जाम में पूछते हैं किसमें से सर्वनाम पहचानिए और उसका प्रकार बताइए, और आपको ऐसा वाक्य दिया हो कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो उसमें स्वयं लेना है आपको और उसे नाम देना है निजवाचक सर्वनाम। उसका प्रकार क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। क्लियर आया समझ में? ओके, बाकी सबको? ओके, अब आवाज क्लियर हुई कि नहीं हुई अभी तक मेरी? ओके, हो गई ना अब क्लियर? ओके, चलो, मुझे तो आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़े। आपने ये देख लिया ना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ मिस। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कि जो नीचवाचक सर्वनाम है उसके उदाहरण दिए हैं कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, फिर क्या कहा है, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, वह आप ही चला गया और वे खुद चले गए। इन चारों वाक्यों में देखिए रेड कलर से जो है ना वो निजवाचक सर्वनाम का है कि स्वयं, मैंने कहा था ना मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो उसमें स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। फिर अपने आप, वो भी निजवाचक सर्वनाम है। आप ही चला जाऊंगा या आप ही गया, तो वह आप जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। तो शब्द हुआ स्वयं, अपने आप और खुद, और प्रकार कौन सा हुआ? निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? क्लियर बॉयज? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? रुको बेटा, 69, रोल नंबर 69। हमीश। पढ़ो। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का व्यक्तित्व अथवा पदार्थ के विषय में ठीक और निश्चय ज्ञान हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, यह एक किताब है। आप म्यूट कर देना बेटा। जिस सर्वनाम से, अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये हमारा एक और प्रकार है ना, हमने देखे ना छह भेद है, तो ये एक और भेद है कि इसमें क्या कहा है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति अथवा तो कोई पदार्थ के विषय में ठीक और निश्चित ज्ञान हो, सही ज्ञान मिले, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह एक किताब है, तो इसमें यह जो है वो निश्चयवाचक है कि पक्का है कि यह एक किताब है, यह पेन नहीं है, यह किताब है ना, यह तय है बात, तो उसे हम निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, चलिए इसका उदाहरण देखिए कि यह किताब कोकिला की है, ये पक्का है कि यह जो किताब है ना वो कोकिला की है, तो इसमें यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
और उसके बाद है लड़का गेंद से खेल रहा है। तो लड़का जो है वह उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इतना समझ में आया? अब हाँ, जिसमें बात पक्की हो कि यह ऐसा है, वह मेरा दोस्त है, तो उसमें बात पक्की है कि वह आपका दोस्त है ना? तो वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमने शुरुआत में भी देखा था, यहाँ उदाहरण में भी देखा कि यह वह ऐसे जो शब्द होते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्लियर? अच्छा चलिए, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें क्या होता है? चलिए, रोल नंबर 94। 94 हाँ, नंबर बोले अनिश्चय वाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए वह अनिश्चय सर्वनाम होता है। उदाहरण, कुछ काम करो आदि। दरवाजे पर कोई है, प्रति प्रीति के पास कुछ है। अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में हमने क्या देखा कि किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराता हो, और अनिश्चयवाचक में क्या देखना है कि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता। नहीं कराता, पक्का नहीं है कि ये व्यक्ति यही है या ये वस्तु इसकी है या मेरी है, वो तय नहीं है, पक्का नहीं है ना? तो बोध नहीं कराता निश्चित रूप से, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कुछ काम करो आदि, है ना? तो इसमें क्या है, दरवाजे पर कोई है। देखा पहला सेंटेंस, दरवाजे पर कोई है। अब दरवाजे पर कोई है जरूर, पर कौन है यह हमें नहीं पता, राइट? फिर प्रीति के पास कुछ है। अब प्रीति के पास क्या है वो भी हमें नहीं पता, इसलिए हमने सिर्फ क्या कहा कि कुछ है, तो तय नहीं है कि क्या है। ओके, फिर आप कभी कभी ऐसा कहते हो, देखो सामने खड़ा है, शायद मैं उसे जानता हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि शायद मैं उसे जानता हूँ, पक्का नहीं है कि आप उसे जानते ही है, या अच्छे से दिखेगा ना तो आप कहोगे कि मैं उसे जानता हूँ, पर ये तो अच्छे से नहीं दिख रहा, इसलिए आपने क्या कहा, शायद मैं उसे जानता हूँ। तो इसमें बात पक्की नहीं है, निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? हाँ मिस, समझ में आ गया सबको? हाँ तो आगे बढ़े ना, मिस। इसका स्क्रीनशॉट लिया ना आपने? हाँ ओके, चलो तिलवानी। तिलवानी कहाँ गया? अभी तक उसे फटाफट पढ़ना था पर अब गायब हो गया। अनिश्चयवाचक हाँ पढ़ो, चलो बेटा। सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, आपने क्या खाया है। आप पढ़ो। यह कॉल आ रहा है, पहला इनाम किसे मिला, आप क्या लाए हैं, किसने कहा आज छुट्टी है। क्या कहा है कि प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में हमें प्रश्न का बोध हो, हाँ, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन आ रहा है, तो इसमें प्रश्न है ना, कौन, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। फिर उसके बाद क्या है कि पहला इनाम किसे मिला, तो किसे, है ना? तो
तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। फिर आप क्या लाए हैं, तो क्या, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। क्लियर। और लास्ट में किसने कहा आज छुट्टी है, यानी किसने, तो इसमें प्रश्न का बोध होता है। हाँ, आज छुट्टी है पर किसी ने कहा है, वो किसने कहा, यह एक प्रश्न है ना, वो हमें नहीं पता, इसलिए किसने शब्द जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर, समझ में आ गया, हाँ सबको समझ में आया बॉयज? मिस, किसी को कुछ पूछना है? आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेने, हाँ ना लिए हो तो ले लो, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं नहीं भेजूंगी, मैंने एक बार भेजती है इसलिए। ओके, क्लियर बॉयज, हाँ तो आगे बढ़े। चलिए, अब कोई ऐसा है कि जिसकी बारी ना आई हो अब तक? मिस हूँ, नाम बताओ बेटा। साराणी मोहम्मद हादी। ओके हादी, पढ़ो बेटा। संबंध वाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरा शब्द या वाक्य से संबंध जाता जाता है वह संबंध वाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो जागेगा सो पावेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए, अब क्या है ये संबंधवाचक सर्वनाम, है ना? तो अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो भाई, जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध होता है। देखिए, एक शब्द का दूसरे शब्द से या तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना? जैसे जो सोवेगा सो खोवेगा, यहाँ जो और सो, ओके? फिर जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ भी जो और सो, और जो जागेगा सो पावेगा, तो यहाँ भी जो और सो जो है वो इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाले हैं। जागेगा पावेगा, करेगा भरेगा, सोवेगा खोवेगा, इन शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं वे हैं जो और सो। क्लियर, तो इसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब उसके उदाहरण क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा, करोगे और भरोगे के बीच में कौन से शब्द हैं उनको जोड़ने वाले, बोलो बेटा। जैसा हाँ, जैसा और वैसा, वेरी गुड। फिर जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। हाँ भाई, ये तो सही है ना, आप पढ़ोगे तो पास होगे ना, नहीं पढ़ोगे तो थोड़ी कोई पास होता है, राइट? तो जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। ओके, चलिए, उसके बाद है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी उसकी लाठी और भैंस को जिसकी और उसकी शब्दों से जोड़ा गया है, तो इसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर। हाँ मैम।
आगे बढ़े। हाँ चलिए शाहनवाज, हाँ मैम। पहला सेंटेंस प्रश्नवाचक का है कि संबंधवाचक का, आपको मुझे प्रश्नवाचक। बताना है। पहले मैं बोल लूँ बेटा, वहाँ कौन हाँ आ रहा है, ये कौन सा है, प्रश्नवाचक कि संबंधवाचक? प्रश्नवाचक। मुझे लिखने का है। कहाँ थे अब तक आप? मैंने शुरुआत में सब बोला था, बीच में भी बोला था बेटा, ये रिवीजन है, मैंने आपको पहले ही लिखवाया है, अगर आपने नहीं लिखा तो सब लिखना है, चोट लेना है, ये सब मैंने बता दिया शुरुआत में, आप देर से आए बेटा। चलिए मैंने तो अब नहीं की। सलमान बताओ, जैसी करनी वैसी बनी, ये कौन सा है, संबंधवाचक कि प्रश्नवाचक? बोलो सलमान। बोलो 105 रोल नंबर। नहीं बेटा, मैंने सलमान का नाम लिया है, बारी बारी मैं सबको पूछ रही हूँ, तो बीच में किसी को नहीं बोल रहा है। सलमान मैम नहीं है वो। ओके, तो रोल नंबर 97। नाइन्टी सेवन है कि नहीं नहीं? हाँ चलो बोलो बेटा, जैसी करनी वैसी बनी, यह प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक? संबंधवाचक। संबंधवाचक, वेरी गुड। ओके 69, रोल नंबर 69। नहीं है, ओके शानूर। मैम इसमें हूँ 69। हो आप? ओके 69, ओके रोल नंबर 69, सिक्सटी रोल नाइन नंबर 69। बताओ, जो जीता बताओ। रहेगा वहां मंजिल तक पहुंचेगा, कौन सा है ये? प्रश्नवाचक के संबंधवाचक। सम हाँ संबंधवाचक, जो और वह है ना, उन्हें उससे ये दो वाक्य जुड़े, चलता रहेगा और मंजिल तक पहुंचेगा, ये दोनों शब्द इससे जुड़े, इसलिए ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ओके चलिए अब उसके बाद शाहनूर बताओ, आज का इनाम किसे मिलेगा? शाहनूर जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। दो हाँ वाचक को कौन से बताए। अरे मैंने कहा ये प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक, कब से तो कहा बेटा, आपका ध्यान कहाँ है? ये वाक्य प्रश्नवाचक है कि संबंध? प्रश्नवाचक। हाँ ओके चलो, तिलवानी, प्रश्नवाचक है। तिलवानी हमें जिसकी मेहनत उसकी सफलता, इसमें कौन सा है प्रश्नवाचक संबंधवाचक? संबंधवाचक। हाँ वेरी गुड। और अब कोई बाकी है जिसकी बारी ना आई हो? मिस में 112। ओके 112, बताओ आप क्या ढूंढ रहे हो, प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक? 74। बोलो 112 रोल नंबर। हाँ प्रश्नवाचक, ओके प्रश्नवाचक। अब 74 बताओ, किसने कहा आज मेहमान आएंगे? सेवेंटी फोर प्रश्नवाचक। हाँ वेरी गुड। चलिए तो ये हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? अब इस सेंटेंस के सामने आपको लिखना है, प्रश्नवाचक हो तो प्रश्नवाचक, संबंधवाचक हो तो संबंधवाचक, इस प्रकार सेंटेंस के सामने लिखना है आपको, क्लियर?
चलिए तो यहाँ ये काम हमारा आज समाप्त हुआ। ओके चलिए आज मैंने आपको सर्वनाम का भी रिवीजन करवा दिया। इससे पहले हमने संज्ञा का भी कर लिया, हमने सारे एमसीक्यू भी कर लिए थे, निबंध किसे कहते हैं वो भी मैंने समझा दिया है आपको। ओके तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। दिलवानी माइक अनम्यूट करो, तो आपका म्यूट करो। ओके कोई अनम्यूट नहीं करेगा। ओके तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। सर खत्म हो गया, आप बंद कर सकते हैं। ठीक है और फिर बुक कंप्लीट करनी है। ये क्यों बार बार सबका माइक अनम्यूट हो रहा है? मैंने म्यूट रखने को कहा है सबको। शाहनवाज म्यूट रखो। मैंने सबको म्यूट रखने को कहा है और आप हैं कि स्टार्ट करते जा रहे हैं। ओके चलिए तो समझ में आ गया ना आप लोगों को क्या करना है? ओके आपको म्यूट कर दो बेटा। दूसरी बात कि कल मदर मीटिंग है आपकी। सर बशीर सर, बशीर सर स्टॉप कर दीजिए सर। तो कल